Hello everyone, this is Archana Anand from College Duniya. In the Initiative Thoughts on Education, today we have with us Dr. Naveen Singhal, Principal, Rajasthan Pharmacy College. Hello sir. Hello. Sir, please share your journey towards the Rajasthan Pharmacy College. Myself, Dr. Naveen Singhal. I completed my graduation in pharmacy from Lachu Memorial College of Science and Technology, Jodhpur in 2004. After that, I completed my PG from Dr. MGR Medical University, Chennai, then my PhD in 2015. In 2015, I joined here as a principal. Before that, I was working in two or three colleges. There I worked as an associate professor, professor, lecturer, assistant professor. And from 2015, I'm working as a principal here and till now, I'm as a principal. That's really great, sir. You have started your journey from the Lachu Memorial Group. I started my pharmacy. My pharmacy fee means my Bachelor of Pharmacy started from Lachu College. It's, I think, first college of pharmacy in Rajasthan. And he having everything that time, B form, M form, diploma, PG, PhD, everything. That's really great, sir. So, sir, being in an education industry, it's like, you have some motive or something that inspired you to be in education industry. Please share that. मतलब कि आप क्या चाहते थे, क्या ऐसे key factors थे जो आपको education industry में attract करे? Rather than मतलब इतनी jobs है, इतने areas है, private sectors है, government sectors है, but education industry क्यों? Actually pharmacy एक बहुत छोटा field है और माने तो बहुत बड़ा field है. Pharmacy में हम लोग जब बाहर आए थे तब colleges बहुत कम थे. बच्चे चाहते थे फार्मेसी करें लेकिन इतनी सीटें भी नहीं थी और कॉलेजों में टीचर्स भी नहीं थे. तो हम तीन चार दोस्त जो साथ में थे, उन्होंने प्लान बनाया कि अपन क्यों ना एकेडमिक्स में जाएं और आगे चल के इस इंडस्ट्रीज को और बढ़ाया जाए. तो मैं बेसिकली क्या कि मैं प्रिंसिपल हूँ और मैंने बहुत सारे कॉलेजेस मतलब मेरे मित्रों को, जानकारों को फार्मेसी के खुलवाए जिनके बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड है. तो फार्मेसी फील्ड को और आगे बढ़ाना, इस एजुकेशन सिस्टम को और आगे बढ़ाना ताकि हम भी यह इंडस्ट्री डेवलप कर सकें फार्मेसी की, एजुकेशन में भी और मैन्युफैक्चरिंग में. बहुत ही अमेजिंग है सर, जो आपने एक पॉइंट लेके आप आगे चल रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग है. और सर, मैं इसी के साथ एक चीज़ पूछना चाहती थी कि बीइंग अ प्रिंसिपल एक बहुत ही लीडरशिप वाला पोजीशन रहता है, तो आपका ऐसा लीडरशिप का क्या स्टाइल है जो आप मतलब हमारी जनरेशन या हमारी पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखो मैम, ऐसा है कि मेरे को यहाँ 9-10 साल हो गए, तो फ्रॉम पियोन टू प्रिंसिपल वी आर सेम. मीन्स हमारे यहाँ कुछ भी होगा वो हमारी सारी फैकल्टी को पता होगा, हमारे सारे बच्चों को पता होगा. ठीक है, डिसीजंस प्रिंसिपल के चेयर से निकलेंगे लेकिन सभी हमारे यहाँ इक्वल्स हैं और सबको अपनी 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 रेस्पॉन्सिबिलिटी चेयर से बांट दी गई है. अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल हमारी सारी फैकल्टी प्रिंसिपल है. ग्रेट. आप किसी को भी आप लेके आओगे तो वो सारी चीज़ें जानती हैं. तो लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की टांग खींचो, बस उनको बराबर के अधिकार दो, काम करने के लिए ओपन एटमॉस्फेयर दो, तो वो मैंने किए. बहुत ही अमेजिंग है सर, ट्रांसपेरेंसी है, इक्वलिटी है. हाँ. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा कोई बड़ा. नहीं, हमारे पूरे कॉलेज में कहीं लॉक एंड की नहीं है, सब खुला है, सबको सब चीज खुला है, सबको सब पता है. बहुत ही अमेजिंग है सर. तो सर, ये तो हमने आपके बारे में बात कर ली, आपने जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी उसके बारे में बात करी, थोड़ा सा कॉलेज के बारे में भी बात करते हैं. जो हमारा सिलेबस है, डेफिनेटली वो एक प्री डिफाइंड सिलेबस है, पर राजस्थान फार्मेसी कॉलेज ऐसा क्या प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों को कि बच्चे बाकी फार्मेसी कॉलेजेस में ना जाके यहाँ पे एडमिशन लें? एक्चुअली ये कॉलेज हमारे चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी दूरदृष्टिता से खोला गया था और जिस समय ये कॉलेज खोला था उस समय फार्मेसी का ऐसा स्कोप भी नहीं था. और कॉलेज तब से 2006 में ये कॉलेज हमने चालू किया, 2006 से अब तक लगातार ये कॉलेज अच्छी ग्रेड में राजस्थान में बना हुआ है. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है. एक तो हमारा इंफ्रा जो शायद ही किसी फार्मेसी कॉलेज का होगा, जो नॉर्म्स में लैब्स हैं, जो नॉर्म्स में क्लासरूम्स हैं और जो हर साल अपडेट होता रहता है, वो सारे हमारे चेयरमैन साहब सब कर रहे हैं. दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जैसे कि कंप्यूटर लैब्स, जिम हो, बहुत बढ़िया मैस, हॉस्टल, ये सारी सुविधाएं यहाँ शुरू से अवेलेबल हैं. गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स है, सेपरेट प्लेग्राउंड्स है, सेपरेट जिम है और बच्चों को चाहे खेलने जाना है,
चाहे कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है, सारा स्पॉन्सर्ड कॉलेज करते हैं। बहुत ही बढ़िया है सर कि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ ही बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बच्चे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, तो बहुत ही अमेजिंग है सर। दूसरा सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे जब यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, जो क्लासरूम्स है, जो चीज़ें पढ़ाई वो कर रहे हैं, वो तो वो कर ही रहे, बट इसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनके क्या मिल पा रही है यहाँ? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैम देखो, इसके अलावा हम खेल कूद, गाना बजाना, ये सारी चीज़ें तो है। इसके अलावा हम इनको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का, हर साल फार्मा इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोजर्स देते हैं। सैटरडे संडे हमारे यहाँ ऑफ रहता है, सैटरडे संडे क्लासेज ऑफ रहती है, उसमें सैटरडे संडे में जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, हम आसपास के 100 किलोमीटर के 50 किलोमीटर के एरिया में उनको इंडस्ट्रीज विजिट कराते हैं, वहाँ का जो ऑपरेशनल सिस्टम है वो समझाते हैं। हमने बहुत सारे प्रोडक्शंस के, रिसर्च के, क्वालिटी कंट्रोल्स के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ एमओयू किया हुआ है। तो बेसिकली बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से ये सेकंड ईयर से यही समझने लग जाता है कि मेरे को आगे करना क्या है। आगे मेरे को, अच्छा ऐसा नहीं है केवल इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ बच्चे की विजिट कराते हैं, बच्चे को पूरा वहाँ का कैसे ऑपरेशन चलता है, फार्मासिस्ट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, एक फार्मासिस्ट क्या क्या कर सकता है, एक फार्मासिस्ट को कहाँ कहाँ क्या जॉब मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से उसको ट्रेन करके रखते हैं, ताकि उसका दिमाग शुरू से, मतलब रिसर्च, जैसे गवर्नमेंट में भी आपको जानना है तो गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हम उनको विजिट कराते हैं। बहुत ही बढ़िया है सर, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपकी स्टडी के साथ मिल रही है, तो उससे ज़्यादा बच्चा चाहता ही क्या है कि हाँ आप पढ़ भी रहे हो और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है, इंडस्ट्री नॉलेज भी मिल रही है। इंडस्ट्रीज हुए, हॉस्पिटल्स हुए, गवर्नमेंट सेक्टर्स हुए, फिर आपका एक दो बार तो हम डिफेंस के जो इनके सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी बच्चों को लेके गए हैं। बहुत ही अमेजिंग है सर। सो सर, मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब आपका सजेशंस या आपके क्या फीडबैक रहेंगे जो हमारी अपकमिंग जनरेशन आ रही है उनके लिए? देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे जो हेल्थ सिस्टम है, मीन्स हर आदमी, आपके परिवार में आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, जानकार, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हर तीन आदमी में से एक आदमी हेल्थ से जूझ रहा है, तो ये एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी, आपको प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस करनी। अच्छा, फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जहाँ फार्मेसी करने के बाद आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हो, आपके प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब, और ऐसा कहीं आप मेडिकल कर लो, मीन्स आप MBBS भी करोगे, तो एक बहुत बड़ा सेटअप आपको लगाना पड़ेगा, आपका खुद का एंटरप्रेन्योर। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप छोटे से स्तर से, आपके घर से भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर सकते हो और उसको करोड़ों अरबों में पहुँचा सकते हो। तो फार्मेसी का फील्ड मैं आज के टाइम पर मानता हूँ कि बहुत ही उगता हुआ फील्ड। अच्छा, आपको पता हो कि आज टॉप मोस्ट जो सेंसेक्स में चल रही हैं कंपनियाँ, वो सब फार्मा से ही, आप सन फार्मा देख लो, डेनविक्सी देख लो, कैडिला देख लो, वो सब फार्मा से चल रही है। तो फार्मेसी एक बहुत अच्छा फील्ड। That's really amazing sir. Thank you so much sir, अपने point of view हमारे साथ और हमारी जो younger generation उनके साथ share करने के लिए। Thank you very much.